बह जाओ सारे भी। सारे वीर बैजो, सत्कारयोग गुरप्रीत सिंह जी अटवाल, अमृतपाल सिंह जी थत, तलविंदर सिंह जी पिंदर, हरसलिंदर सिंह जी जिन्होंने पानी पिलाने ते सस्पेंड किया गया सी, बाबा राजा राम सिंह जी मेरे नाल आए, मिशन पंजाब दे काम कर रहे पूरी टीम, श्री रिशपाल सिंह जी जोड़े माजरा, श्री रिशपाल राजू जी, हरसरण सिंह जी, सुखबीर सिंह जी शालीमार, बोड़ सिंह जी, सुखविंदर कोटली जी, विनर जी, सतनाम सिंह बागड़िया जी, ब्रिगेडियर इंद्र मोहन जी, सरबजीत जी, एडवोकेट अमनदीप जी, सारे मेरे भरावो बजुर्गो प्यारे बच्चियो, साडियां भैणां बैठियां ने, साडे मीडिया वाले वीर, पहला तो मैनूं यकीन नहीं आया काला बकरा की हुंदा है, ते फिर जदों इत्थे आके पता लग्या इत्थे आके होर हैरानी हुई। कहिंदे ने बादल भी पींदा है, अमरिंदर भी पींदा है, होर खड़े किहड़े किहड़े पींदे ने, फिर पी के उन्होंने बकरा याद नहीं आया। पर तुसी बहादुर लोग हो, तुसी बकरा बचाया होया जी, ते बचा तुसी पंजाब भी लेना इन्हां तों। बहादुर लोग हो तुसी दुआबे दे, तुसी पंजाब भी इन्हां तों बचाना। अज जिहड़ी हालत देश दी होई है, पूरा देश कारपोरेट नूं बेचिया जा रहा, यह राजनीतिक पार्टियां ने रही, यह गिरोह हो गए ने। पहला चंबल की घाटी के विच हुंदे सी, पहला चंबल की घाटी के विच हुंदे सी, हुण इह आके साडे विच वोटां दे गिरोह बन गए ने। ते जे गिरोहां नूं वोटां पाओगे ते फिर नतीजा तुसी जानदे हो बई, कल जिहड़ा है अमरिंदर सिंह नूं कुर्सी तों तारिया है, किहने तारिया है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अविश्वास प्रस्ताव आया, असी एम एल ए को गए भी तुसी सरकार नूं डेगो, अविश्वास प्रस्ताव दे पक्ष च वोट पाओ। वह कहिंदे जी नहीं। असी कहे क्यों, असीं तुहानूं वोटां दे के बनाया है ते तुसी साडी गल नहीं मनदे? वह कहिंदे जी नहीं, तुसी नहीं सानूं बनाया। जे सानूं राजनीतिक पार्टी टिकट ना दिंदी ते असी एम एल ए बनना ही नहीं सी, ते तुसी ते पार्टी नूं वोट दिते ने, पार्टी ने सानूं टिकट दिता, इस करके असीं ते पार्टी दे गुलाम आ, जो पार्टी कहेगी वह करांगे, जनता दे कहे असीं कम नहीं करना। ते तुसी देख रहे हो जदों पार्टी व्हिप जारी करदी है ते उहनां नूं उही गल बोलनी पैंदी है जिहड़ा पार्टी दा आदेश हुंदा है। ये आजाद नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती, इत्थे पार्टी की आवाज़ सुनी जाती है। हालांकि साडे संविधान दे विच कोई पार्टी तंत्र नहीं है, पर इत्थे खड़ा कर लिया गया, पार्टी तंत्र खड़ा कर लिया गया। पहला अंग्रेजा दे गुलाम सी, हुण आपां पार्टियां दे गुलाम। ते पार्टियां किहड़ियां ने? पार्टियां बन गईआं व्यापारी, इन्हां बना लिया राजनीति नूं बिजनेस, जिहड़ा एक वारी बण जाए हज़ारां करोड़ दा मालक हो जांदा है। इन्हां नूं वोटर भुल गए, तुसीं वोट दिंदे हो, राज तुहाडे वोट नाल आउंदा है, पर एक कानून बनाते हैं जिहड़े पैसे देंदे ने, जिहड़े इन्हां नूं चंदा देंदे ने, उन्हां दे पक्ष दे बनाउंदे ने। तुसी देखो अज दे टाइम च, अज आपां किसान अंदोलन नहीं धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। इस करके धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, अज एक बंदे की आमदन 35 रुपये रोज की है, उस देश दे विच दूजे बंदे की आमदन 2100-2150 करोड़ रुपये रोज की है। 20 करोड़ लोग भुखमरी
दो टाइम की रोटी नहीं मिलती, किन्ने लोग इलाज बिना मर रहे ने। हिंदुस्तान साड़ी अगली पीढ़ी रहना नहीं चाहती, बाहर नू भज रहे ने, डोंकी दे राही भज रहे ने, जंगलों के लाशा भी नहीं आती कई दियाँ, जे बीमार हो गया जंगल पार नहीं कर सकता विच ही गोली मार देंगे ने। पर असी इन्ने खतरे लैके फिर भी अपने बच्चों हिंदुस्तान तो बाहर भेज रहे हैं, हिंदुस्तान रहने वाला जगह नहीं बची। ओ देश जिन्हों आप सोने की चिड़िया कहते सी, जिन्हों आप भारत देश महान कहते सी, ये उस देश का हाल हो गया है। इहदा जिम्मेवार कौन है? सानू हथियार के बलते नहीं लुटिया किसी ने, वो पुराना जमाना सी जदों हथियार के बलते चंबल घाटी के डाकू या इत्थे डाकू पैदा हो जाते सी, वो लुटते सी। हुण ते कानून बना के लुटिया है, ते कानून किने बनाए ने? साडे नीतिकारां ने। ये कानून किने बनाए ने? जिन्होंने 15 लाख करोड़ का बिजनेस कारपोरेट के हवाले करता। किने बनाए ने? साडे राजनेता ने। देश मरदा है तो मर जाए, सारा एग्रो बिजनेस जेडे लखा लोग करोड़ा लोग इस बिजनेस नाल जुड़े सी, किन्ने दुकाना वाले, किन्ने आड़तीए, किन्ने व्यापारी, किन्ने मुनीम, किन्ने पल्लेदार, सारे खाली होणगे। तुहाडे तो फसल खरीदी जाएगी अमरीका नाल मुकाबला करके, रह रहे तुसी हिंदुस्तान च, सुविधा तुहानू हिंदुस्तान वाली मिलनी है, रेट तुहानू अमरीका वाला मिलना है, सुविधा भी अमरीका वाली दे देना। अमरीका च कपाह पैदा की, मैं एक साल का अंकड़ा पढ़िया है, 3 अरब डॉलर की कपाह पैदा की, 4.7 अरब डॉलर उन्होंने सबसिडी मिली, यानी 65% सबसिडी, 67% सबसिडी देती भी दे दो, फिर मुकाबला करा लो अमरीका दे नाल। आपां बैठे हुए हाँ अंदोलन दे विच, अंदोलन दे विच बैठे बैठे देखो किसान मजदूरों नाल लड़ पैंदा है। असी कई जगह की खबर पढ़ियाँ भी आ जड़ा मजदूरों ने रेट वधाता है तो आपां पिंड दे मजदूर नहीं ले जाने, हड़ताल करती। किसान ते मजदूर आपस लड़ पैंदे ने। हुण आपां अंदोलन कर रहे हाँ, अंदोलन के दौरान सरकार ने एक फरमान जारी करता कि इस बारी जीरी की स्पेसीफिकेशन घटाती, जिहड़ा मॉइस्चर 17% सी 16% करता, जिहड़ा चौल का मॉइस्चर 14% सी 12% करता, जिहड़ा टुकड़ा 25% सी 20% करता, जिहड़ा डैमेज 3% सी 2% करता, यानी 50 रुपये का कट तुहाडे ते होर लगेगा इस बारी। आ तुसी हुण फरदां दिओ, आ तुसी अपने रजिस्ट्रेशन कराओ। 50 रुपये के कट का मतलब है कि जे तुहाडा 30 क्विंटल अनाज निकल जीरी निकली तो तुहाडे ते कट लग्या 1500 रुपये का, सानू पता ही नहीं लग्या आपां लुट कदों लए, नाले आपां अंदोलन कर रहे हैं। इस तरह अपना अंदोलन करते हैं पर एक तो बाद दूजा कानून, दूजे तो बाद तीजा कानून, तीजे तो बाद चौथा कानून, साडे थोपी जाते हैं, सानू लुटी जाते हैं, सानू खेती नू बर्बाद करी जाते हैं। इहदा इलाज की है? इहदा संपूर्ण इलाज की है? अंदोलन नाल आपां इक केस जीत लिया, दो कानून बदलवा ले, आखिरकार फिर सानू लुटिया कानून बना के, सानू लुटिया साडे नीतिकारां ने, साडे नीतिकार हो गए गंदे, साडे नीतिकार हो गए भ्रष्ट, उत्थे बह गए चोर। तो एक गल मैं होर समझ नहीं आई भी वो चोर वो भ्रष्ट बिठाए किने हैं? उन्होंने बदलन की लोड़ है, वोट तुहाडी है, राज इत्थे पूंजी वाधा है। यूपी दे विच 8 करोड़ वोट किसानां दी है, जिन्हां दी रजिस्ट्रेशन होई है, जिहड़ा प्रधानमंत्री ने दो हज़ार की भीख दित्ती है, 3.5 करोड़ दे नाल सरकार बनी हुई है। पंजाब दे विच 80 तों 90 लख वोट किसानां दी है, पर 59 लख वोट दे नाल सरकार बनी हुई है। तो तुसी अपने नहीं बना सकते, जिहदी वोट उहदा राज चाहिए ना, इत्थे जिहदे कोल पैसा उहदा राज है,
ते जिदे कोल पैसा ओदा राज तुसी फिर बनाओगे फिर तुहानू बचा के डा सकता है। उम्मीद ना रखे जे अगे भी इसे तरह लुटोगे, उम्मीद ना रखे जे तुहाडी तबाही तय कोई नहीं बचा सकता। इको रस्ता है बचाण दा, पानी दी मारी खेती पानी नाल ही हरी होएगी। इको रस्ता है बचाण दा, अपने विच्चों चंगे उम्मीदवार दे के अपने विच्चों उम्मीदवार खड़े कर दिओ, अपने विच्चों कैंडीडेट खड़े कर दिओ। इन्हां रवायती पार्टियां नूं जुत्ते मार के कढ दिओ बाहर। होर कोई दूजा रस्ता नहीं है तुहानूं बचाण दा, कोई नहीं तुहानूं बचा सकदा। जिहड़ा अपनी राखी आप नहीं करदा, उहदी राखी मालक भी नहीं करदा, उहदी राखी रब भी नहीं करदा। अज वोटां दा राज है और तीर तलवार दा राज नहीं है। अज लड़ाई तीर तलवार दी नहीं है। जे अंदोलन तो भी साडे तो डरदे ने ना, इस करके डरदे ने कि साडी वोट टुट जाएगी। आखिरी लड़ाई वोट दी होई है ते वोट तुहाडी है, जिन्नी तुहाडी है इन्नी तुहाडे मजदूरां दी नाल है। वो छोटे भरा ने उन्हां नूं नाल ला लिओ, इन्नी ही कितें गल है बस। ते जे तुसीं उन्हां तों राज खोह लिया ते फिर जिहड़े कानून बना के तुहाडियां जमीनां कारपोरेट नूं दे रहे ने, ते तुसीं भावें फिर उन्हां दी कंपनी लोकां दे नां करा दिया जे, करा सकदे हो। बैंक सारे प्राइवेट सी, इंदिरा गांधी ने सारे खोले सी, सारे सरकारी बनाते सी, क्यों नहीं खोल सकते? तो असीं चेतावनी भी दिंदे इन्हां नूं, आ जिहड़े पूंजीपति लोग ने ना, जिहड़े कोई हवाई अड्डा खरीद रहे ने, कोई रेलवे स्टेशन खरीद रहे ने, कोई ट्रेना खरीद रहे ने, कोई कुछ खरीद रहे, रुपये की चीज़ चवन्नी च लै जाते हैं। जे किते इस जनता का राज आ गया ना, सारी वापस खो लेंगे तुहाडे तों। कानून जड़े बनते ने, कानून तुहाडी वोट नाल बनते ने, तुहाडी वोट की ताकत नाल बनते ने। वोट तुहाडे घर की है, प्रॉपर्टी तुहाडे घर च है, तुसी भिखारी बने हुए हो। ते जे जे प्रॉपर्टी दे मालक भिखारी होणगे, इह खाली दिमाग दा ही ते खेल है, इन्ना कोई ते है। अगे साडे भरा वी कहिंदे नहीं नहीं असी ऐ राजनैतिक, असी ऐ राजनैतिक, रही जाओ ऐ राजनैतिक, फिर खाई जाओ धक्के, किहड़ा विचालेगा तुहानूं फिर। ऐ राजनैतिक उस टाइम की गल हुंदी है जदों राज पंज इलैक्शन पंज साल बाद आना है। हुण पंज साल किहड़ा इंतजार करिए, आपां अंदोलन करिए, अंदोलन करके मनवाइए। पर जदों इलैक्शन आ गया उदों वोट तुहाडी ते राज किसे दा? इन्नी कु समझण दी लोड़ है। जे इन्नी कु तुसी समझ ली, हुण आपां ने दो धारी तलवार दे नाल लड़ना है। एक अंदोलन आपां नहीं छड्डणा, याद रखियो, अंदोलन नहीं छड्डणा, अंदोलन दे नाल ही वोट जुड़ी हुई है। अंदोलन नहीं छड्डणा, 27 तरीक दा भारत बंद का प्रोग्राम है। सारे भरावां नूं बेनती करो, चाहे वह दुकान वाले ने, चाहे वह मजदूर है, चाहे वह फैक्ट्री वाले हैं, चाहे वह कर्मचारी है, चाहे कोई होर वर्ग वाले हैं, अपनी मर्जी नाल भारत बंद रखो। सवेर तो लैके 6 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक अपना व्हीकल सड़क पर नहीं कढ़ना, बाजार च किसे नहीं जाना। ते पूरी तरह भारत बंद यह लोकतंत्र का तरीका है। उंज तो लोकतंत्र नाल सरकार मानदी नहीं, तो डंडे नाल ही मानते हैं। उंज तो आदत यह पैगी इन्हां नूं। दूजी बेनती मैं करांगा, साडे भरावां च गुस्सा बहुत है, हुंदा भी है, जदों साडे सिर पाड़दे ने गुस्सा तो आउंदा ही आखिरकार। पर फिर भी आपां ने इन्ना कु सबर बना के रखना है भी आपां किसे ते हथ नहीं चकना। जे किते भिड़ंत भी हो जाए, जे किते पुलिस डांगा भी मारे, आपां ने तां भी हथ नहीं चकना। नहीं तो हाल हो जांदा है जिहड़ा हरियाणे दे विच जाट अंदोलन दा होया सी। मुंडे बागी हो गए, मुंडे ने डंडे चक ले ते पुलिस पास्ते भज गई, शहर छड्ड गए। पर आखिरकार होया कि 30 मुंडे मरे, अजे कई जेलां कट रहे ने, अंदोलन जीरो ते खत्म हो गया। इस तरह भजन लाल दे विच राज दे विच गोली चली सी, बंसी लाल दे राज दे विच गोली चली सी, फिर चौटाले दे राज दे विच हरियाणा दे विच गोली चली सी। सारी जगह बंदे मरे सी ते सारे अंदोलन खत्म जीरो ते खत्म हो गए। इस अंदोलन नूं आपां ने बचा के रखना है।
अंदोलन च इन्ना आपने सबर रखना है भी आपने अपना हक लाए बिना वापस भी नहीं मुड़ना। जे आपने कहता भी असी तुहाडे थाने दा घराओ करांगे, अज करना ही है, वो मारन मार देना, असी नहीं मारना। जे आपने ये तय कर लिया भी आपने अज चंडीगढ़ घेरनी है, घेरनी है तो फिर घेरनी है, बैरी बुरी केटा तो कोई काम करते किसान के अगे, पर असी हथ नहीं चकना, पुलिस मार दी है मारे साढ़े घर चो ने साढ़े भरा ने। इन्ना को आप अंदोलन के सबर रखना है तो आप सारिया ने इस अंदोलन नहीं छड़ना। आपने दिल्ली की हाजिरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दिल्ली की हाजिरी, तो हर पिंड चो एक सिस्टम बना के 10 बंदे तो पिंड के उत्थे रिहाई करो, नहीं तो फिर वो जिवें लखा जी कह रहे सी भाई आ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आर्डर नाल आ किसी होर आर्डर नाल सानू उठा देंगे तो मुड़ के प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि सानू कोई कैड़ा जा फैसला लेना पै जाए। साढ़े संयुक्त मोर्चे वाले भरा जड़े ने वो अजे साड़ी तय नहीं हुई, पर हो सकता है कल नू कोई सख्त फैसला लेना पै जाए। किते मोदी सरकार ये ना सोचे ये बस इस तरह सड़कों पर ही बहन जोगे ने दू अगे वधदे ही नहीं, कल ये ना फैसला लेना पै जाए भी असी मोदी का घर भी घेर लेंगे। फिर तो साथियों एक तो मैं बस इन्नी कु बेनती करना चाहांगा भी जेड़ा संदेश दिल्ली तो आउंदा है वो भावें भारत बंद है, भावें किसी के घर आउंदा है, भावें कोई होर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम नू पूरी तरह वो लागू होना चाहिए, पूरे देश दे विच पूरी तरह लागू होना चाहिए। तो पंजाब दे लोकां नाल असी उंज भी धन्नवाद करांगे कि पंजाब दे लोकां ने इस अंदोलन की शुरुआत की है जेड़ा अज पूरे देश दे विच चल रहा है। तो एक बेनती ये करांगे कि अगे इलैक्शन जेड़ा वो नेड़े आ रहा है, तुसी हथ खड़े करके मैनूं दसो भी की किसानां ते मजदूरां नूं इलैक्शन दे विच हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। तो जे मैं नारा लवावां भाई तख्त खो लो, ताज खो लो, बेईमाना तो राज खो लो, ठीक रहेगा? तख्त खो लो, ताज खो लो, तख्त खो लो, ताज खो लो, तख्त खो लो, ताज खो लो। तो जे मैं नारा लवावां किसान मजदूर दी, किसान मजदूर की आई आवाज, जिहदा वोट उहदा राज, किसान मजदूरों की आई आवाज, किसान मजदूरों की आई आवाज, किसान मजदूरों की आई आवाज। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बेनती करांगे कि जिहड़ा दिल्ली वाला मोर्चा है उस ते तुसी वध तो वध हाजरी लवानी है, उत्थे परमानेंट तुसी बैठन बहना है, वह मोर्चा साडा चल रहा है। तो जिहड़ा 27 तरीक का बंद है वह पूरी तरह सफल होना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह।